दुष्कर्म से घिनौना कुछ भी नहीं है। पीड़ित सालों तक अपने साथ हुए अपराध के सदमे से नहीं उबर पाती। निर्भया कांड के बाद सरकार ने रेप से जुड़े कानूनों को और भी सख्त बनाया ताकि अपराधियों के कानून का खौफ हो, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं जो सरकार के कानून की पोल खोलती हैं। अब ऐसा ही एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई। लेकिन इस घटना में हैरानी की बात यह है कि इस घटना में अपराधी 3 लड़कियां और 1 लड़का है। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पीलीभीत के रहने वाले एक पिता ने अपनी बेटी की तरफ से तहरीर देते हुए बताया कि गांव की ही कुछ लड़कियों से उसकी बेटी की दोस्ती थी। ऐसे में वो उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने एक दोस्त के पास ले गई, जहां लड़के ने पीड़ित की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। घटना 27 जुलाई की बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद अब पीड़ित बेटी ने अपने साथ हुई आपबीती अपने पिता और घर वालों को बताई, तो पिता ने थाने में आकर FIR दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित की तरफ से सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।